इस लॉकडाउन में नॉमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स की सबसे बुरी हालत हो गई है समाज में। मैं खास करके उन नॉमेडिक ट्राइब्स के बारे में और नॉमेडिक ट्राइब्स के उन महिलाओं के बात करना चाहूंगी जो साल के 12 महीने घूमते रहते हैं, जो परफॉर्मर्स है, एंटरटेनर्स है, जो मेंडिकेंट्स है। तो ऐसे कम्युनिटीज जो कहेंगे कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूमते हैं और अलग अलग देश अलग हिस्सों में अटके हुए हैं। महाराष्ट्र में से कहीं जैसे गुसाई कम्युनिटी है, बहुरूपी कम्युनिटी है, गुंदली कम्युनिटी है, वो अलग अलग राज्य में अटकी पड़ी हुई है। मुझे एक सबसे बड़ा जो समस्या दिख रही है इस समाज में, वो एक तो जैसे दक्षिण जी ने कही कि राशन की है, जो सबकी है, पर उससे उससे जो इफेक्ट महिलाओं पे हो रहा है, हाल ही में, मतलब ये पिछले 1 महीने में नॉमेडिक कम्युनिटीज की, जो मेंडिकेंट कम्युनिटी है, उनमें से कई महिलाओं की अपने टेंट में, झुग्गियों में डिलीवरीज हो गई है, जिन्होंने रिसेंटली बच्चे को जना है। तो ऐसे महिलाओं को ना ही मेडिकल फैसिलिटी मिल पा रही है, ना कि आफ्टर डिलीवरी जो पोषण आहार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, बच्चे की ठीक से जांच नहीं हो रही है। तो ये जो समस्या है, ये बहुत भारी मात्रा से समस्याएं महिलाओं को फेस करनी पड़ रही है। दूसरी और एक समस्या जो है वो है एट्रोसिटी की, या फिर अन्याय की। हमारी महिलाओं को ज्यादा करके समाज में, समाज के अंदर और समाज के बाहर जो व्यवस्था है उनमें महिलाओं को फेस करना पड़ता है एट्रोसिटी। पर अब जब से लॉकडाउन शुरू हो गया है, वो लॉकडाउन के वजह से जो जिन पुरुषों को काम नहीं और जो आमदनी नहीं ला रहे हैं, वो पुरुषों से वो भारी मात्रा पे अन्याय सहन कर रही है। और ना हमारे यहाँ पे कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जो डीएनटीज को, ऐसे अटके हुए डीएनटीज को आइडेंटिफाई करे और उन तक जो फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज हो या फिर राशन की फैसिलिटीज हो या बेसिक नीड्स हो, उनको पहुंचा सकते हैं। ऐसी कोई जो मशीनरी है वो अभी तक सिस्टम नहीं डेवलप हो पा रही है। तो मुझे लगता है ये लॉकडाउन की वजह से एक सबसे अहम मुद्दा सामने आ रहा है, जो ग्राम पंचायत से लेके राज्यों तक का जो एक सिस्टम होनी चाहिए डीएनटीज के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने के लिए, वो लैकिंग है। वो हमको गवर्नमेंट को ये सारे समस्याओं दिखा के एक सिस्टम बनानी जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। थैंक यू, धन्यवाद।